हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में स्वागत है। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो क्लास रीजनिंग की है, पजल्स टॉपिक चल रहा है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, आपको पजल होने की ज़रूरत नहीं है, सीखते चलिए मेरे साथ पजल्स। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, समझने की कोशिश की, कुछ हद तक क्वेश्चन समझ में भी आ गया। वो इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है इसकी वजह से। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया। क्वेश्चन क्वेश्चन में कहा गया है कि छह फ्रेंड्स है, पी क्यू के ए बी एंड एन, जो काम करते हैं छह अलग अलग कंपनीज में ई एफ जी एच आई और जे में, और अलग अलग कलर की वो टाई लगाते हैं, कोई ब्लू कोई ग्रीन कोई पिंक कोई येलो कोई पर्पल एंड रेड, जो प्रोवाइड की गई है कंपनी के द्वारा। फिर यह कहा गया सेकेंड पॉइंट, द वन हु टाई ब्लू टाई, जो ब्लू कलर की टाई लगाता है वो काम करता है एच कंपनी में, एंड द वन हु टाई ग्रीन टाई वर्क इन ई कंपनी। तो चलिए इसमें तीन प्रकार की इंफॉर्मेशन है हमें, जो कि हमें अरेंज करनी है। तो पहली इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स हो गए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लगा लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद में कर लेते हैं यहाँ पे टाई, उसके बाद में यहाँ कर लेते हैं कंपनी। तो कहा गया है कि जो ब्लू कलर की टाई है वो एच कंपनी की है, ब्लू कलर कंपनी हुई एच। द वन हु टाई ग्रीन टाई ई कंपनी की है, ग्रीन ई की हो गई। तो ये क्वेश्चन में दिए हुई थी। एंड डज नॉट वर्क इन कंपनी जी और आई, एंड काम नहीं करता जी और आई में, ठीक है जी, तो इन दोनों में कर सकता है, हाँ कर सकता है। पी टाइज पिंक टाई एंड शी वर्क इन कंपनी एफ, पी जो है वो पिंक टाई लगाता है लगाती है और एफ कंपनी में काम करती है जी, ठीक है। इट डज नॉट वर्क इन कंपनी आई, और ए जो है वो कंपनी आई में काम नहीं करता। एंड पर्पल कलर टाई इज नॉट ऑफ द कंपनी जी, और जी कंपनी की पर्पल कलर की टाई नहीं है, ठीक है जी। बी वर्क्स इन कंपनी जे, बी काम करता है जे कंपनी में, तो यानी बी जे कंपनी में। एंड ए एंड क्यू डज नॉट वर्क इन कंपनी एच, एच में ए और क्यू काम नहीं करते, मतलब ऊपर वाले में ए और क्यू नहीं करते हैं, पढ़ते हमने। देर आर नो टाइज ऑफ कलर पर्पल एंड येलो इन कंपनी आई, आई कंपनी में क्या है पर्पल और पीले रंग की टाई नहीं लगाता है कोई भी आई कंपनी में, तो आई कंपनी अभी यहाँ पे आनी है, ठीक है, इसमें पीले भी नहीं आई पर्पल भी नहीं। और के काम करता है कंपनी एच में,
के काम करता है कंपनी एच में। तो ये है, तभी एक कंपनी रह गई। कौन सी कंपनी रह गई इसमें? कंपनी है EFGHIJ, EFG जी कंपनी एक रह गई, इसको यहाँ से लिख लिया। ठीक है जी, अब कहा गया कि एन काम नहीं करता कौन से में? जी में और आई में। तो इन दोनों में एन तो आएगा नहीं। ठीक है, पी का हो गया पूरा क्लियर। ए काम नहीं करता आई में और ए भी काम नहीं करता आई में, तो ए भी नहीं आएगा। एंड ए एंड क्यू डज नॉट वर्क इन कंपनी एच, और ए इसमें भी काम नहीं करता एच में। ठीक है, ए और क्यू नहीं करते, वो तो लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा गया है? और देर आर नो टाई ऑफ कलर्स पर्पल एंड येलो इन आई कंपनी में। आई कंपनी में ना तो पर्पल कलर की टाई है, पर्पल और ना ही येलो, दोनों ही नहीं है। ठीक है, और के काम करता है कंपनी एच में। ठीक है जी, और पर्पल कलर की टाई क्या जी की भी नहीं है, पर्पल जी में भी नहीं आएगा। तो पर्पल फिर आएगा किसमें? जी में आएगा पर्पल। ये इन्फॉर्मेशन हमें क्लू लग गया, जब दो में पर्पल नहीं आएगा तो एक ही बचा, तो इसमें पर्पल आ गया। ठीक है, उसके बाद में अब एक तो कलर बचा येलो, येलो के साथ में एक बचा रेड, तो फिर जी में कौन सा कलर आएगा? येलो, और आई में कौन सा आएगा? रेड। ठीक है, इतनी बात भी ठीक हो गई अपनी। अब फिर देखते हैं क्वेश्चन को। कहा गया कि एन जी और आई में तो काम नहीं करता, एन जी और आई में काम नहीं करता, तो एन के लिए जगह कौन सी बची? यही बची है, क्योंकि यहाँ पे की आ गया, यहाँ पे एन पी और पी। और कहा गया कि एन ए इसमें काम नहीं करता, तो ए फिर इसमें काम कर लेगा। ठीक है, तो पी क्यू के ए बी एन, पी क्यू रह गया क्योंकि रिगार्डिंग कुछ कहा गया ए और क्यू एच में नहीं करता। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं करता, तो यहाँ पे तो कर सकता है ना क्यू, तो ये आ गया इस प्रकार से। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बस इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी हमें उसको पढ़ के अंडरस्टैंड करना था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पे, तो आप इसे पढ़िए।
क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। देयर आर सिक्स रूम्स हैं, ए बी सी डी ई और एफ, एक धर्मशाला में हॉस्पाइस मतलब धर्मशाला था। आउट ऑफ देम वन में से टू पर्सन कैन लिव इन ए एंड सी, और ए और सी रूम में क्या दो दो जने रहते हैं, वाइल ओनली वन पर्सन कैन स्टे इन अदर रूम्स, और बाकी जो बाकी चार रूम्स है वहाँ पे हर जगह कितने जने रहते हैं, एक एक रहता है चारों रूम्स में। तो इस प्रकार से कितने जने हो गए, चार इसमें हो गए ए सी में और चार बाकी आठ जने रह सकते हैं। आठ गेस्ट हैं फिर पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू और एक्स जो कि स्टे करते हैं इन रूम्स में। आउट ऑफ देम क्यू टी और एक्स वुमेन है, वाइल रिमेनिंग आर मैन। वुमेन एंड मैन गेस्ट आर नॉट टू स्टे टुगेदर इन ए रूम, जो मैन और वुमेन है वो एक साथ नहीं रहते हैं रूम में। नो मैन वांट टू स्टे इन रूम सी एंड एफ, और कोई भी मैन नहीं चाहता सी और एफ रूम में रहना। पी वांट्स टू स्टे अलोन बट नॉट इन बी एंड डी रूम्स, पी चाहता है अकेला रहना लेकिन बी और डी रूम्स में नहीं चाहता। एस वांट्स एनी कंपनी, यानी एस चाहता कोई साथी उसके साथ रहे, बट यू और डब्ल्यू वो नहीं चाहता वो भी साथ रखना। और एक्स डज नॉट वांट शेयरिंग विद एनीवन, और एक्स जो फीमेल है वो नहीं चाहती किसी के साथ शेयर करना रूम। तो इस प्रकार से हमें क्या पता लगा कि हमें रूम लिख लेना चाहिए सबसे पहले। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं रूम्स, और उसके बाद में यहाँ पे गेस्ट। तो रूम है ए से लेके एफ तक, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है जी, ठीक है। और कहा गया है कि पी क्यू आर एस टी है, जिसमें क्यू टी और एक्स है फीमेल है, ठीक है। और कोई भी मैन वुमेन साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। नो मैन वांट टू स्टे इन रूम सी और एफ में, और सी और एफ में कोई भी मैन नहीं रहेगा, इसका मतलब सी में भी वुमेन रहेंगी और एफ में भी वुमेन ही रहेंगी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक्स डज नॉट, अगर वुमेन की ही बात करें हम, एक्स क्या है, डज नॉट वांट टू शेयर विद एनीवन, और एक्स केवल अकेला ही रहेगी, क्योंकि एक्स क्या कहा गया था, हमें क्या कहा गया था, इसको लिख ही लेते हैं यहाँ पे एक बार, कि तीन जने थे ना क्यू टी और एक्स, ये क्या फीमेल है माइनस, और एक्स इसमें से अकेला रहेगा या रहेगी, तो एक्स केवल यहाँ पे आएगा, तो मतलब ये एक्स हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया एक्स एकदम सेपरेट अकेला अकेली, क्योंकि कहा गया था क्वेश्चन में ए और सी रूम में ही केवल दो जने रह सकते हैं, तो यानी केवल ए रूम में ही प्लस टू होंगे और सी रूम में ही प्लस टू जने का स्टे होगा, बाकी बी में भी एक, डी में भी एक, ई में भी एक और एक्स में भी एक। यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि फीमेल है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि फीमेल्स है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, कहा गया पी वांट्स टू स्टे अलोन बट नॉट इन बी और डी, पी अकेला रहना चाहता लेकिन बी और डी में नहीं रहना चाहता। यहाँ पे रहेगा पी तो एक जने के साथ रहना पड़ेगा, बी और डी मना किया गया तो यहाँ पे रह नहीं सकता, पी तीन रहेगा यहीं पे बचा के बाद, यहाँ पे हो गया, ठीक है जी। अब दो ही फीमेल बची हैं, तो एक में क्यू और एक में टी, क्योंकि फीमेल के लिए ही रूम थे दोनों पी और एफ वाला, ठीक है, यहाँ तक का हो गया। और एस चाहता है कोई साथ रहे उसके लेकिन यू और डब्ल्यू के साथ नहीं, तो एक्स कहाँ रह सकता है, एस रह सकता है यहाँ पे, और यू और डब्ल्यू के साथ नहीं चाहता वो, जब यू और डब्ल्यू के साथ नहीं चाहता तो फिर और बचा कौन, बचा आर,
तो एस के साथ कौन रहेगा, आर रहेगा। अब यू और डब्ल्यू कौन बी में रहेगा कौन डी में रहेगा ये अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, तो मे बी यू यहाँ रहे और मे बी डब्ल्यू यहाँ रहे, मे बी यू यहाँ रहे और डब्ल्यू यहाँ रहे। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो बाकी सब हमने अरेंज कर लिया, बस यू और डब्ल्यू क्योंकि क्वेश्चन में जानकारी नहीं दी गई कौन सा किस में रहेगा, तो इस वजह से कोई भी बी में रह सकता है और कोई भी डी में रह सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो चलिए, तो थैंक यू गाइस, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।